गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सैम। तो आज मैं आप लोगों से अबकार स्कोर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अबकार स्कोर कैसी प्रोसेस होती है कि न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसमें कुछ कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा रोता नहीं, या फिर सांसें नहीं लेता, या फिर सांसें लेता है तो बहुत धीमी सांसें लेता है। ऐसे केस को हम अबकार स्कोर के थ्रू ही मतलब परीक्षण करते हैं, अर्थात उसका टेस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को बच्चे के पैदा होने के 1 मिनट बाद ही स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या हमें देखना रहता है, क्या क्या ध्यान रखना रहता है, किसका परीक्षण किस हिसाब से किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अबकार एक स्कोरिंग पैरामीटर है जिसमें हमारा आता है अपीरियंस, पल्स रेट, टोन और ग्रिमिस, और एक्टिविटी और रिस्पायरेशन। अब हम इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं, अर्थात मतलब जैसे अपीरियंस है, उस बच्चे को हम देख के, उसके कलर को देख के क्या स्कोर देंगे। अगर कोई बच्चा है जो न्यू बेबी जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को देख के हमें क्या क्या आइडिया हो सकता है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसी बिहाव पे हम इसको स्कोर देते हैं। कलर को देखेंगे, अर्थात उसके अपीरियंस को देखेंगे। अगर वो बिल्कुल नीला है या फिर बिल्कुल सफ़ेद है तो हम उसको 0 का स्कोर देते हैं। अगर उसके हाथ पैर ओठ आदि ये सब जो हैं अगर नीले पड़े हुए हैं तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं। उसकी कंप्लीट बॉडी उसकी नीली नहीं थी, उसके हाथ पैर ओठ ये सब चीज़ें जो वो नीली पड़ी थी, साइनोसिस बोलते हैं इसको। तो इस केस में हम उसको 1 स्कोर देते हैं। अगर बच्चे का कलर जो दिख रहा है, अपीरेंस जो दिख रहा है वो पिंक कलर का है तो हम उसको 2 स्कोर देते हैं। अब हम बात करते हैं उसके पल्स रेट की। पल्स रेट अगर प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे स्कोरिंग करेंगे। पल्स रेट अगर मतलब उसकी हम मेज़र करते हैं, अगर बिल्कुल नहीं मिल रही है, सुनाई नहीं दे रही है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। अगर उसकी पल्स रेट 100 से कम है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर 100 से ज़्यादा है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। हम पल्स रेट को हम हार्ट रेट भी कहते हैं। ये नॉर्मली 120 होता है न्यू न्यू बॉर्न बेबी में। अभी हम बात करते हैं उसके ग्रीमेस के बारे में, अर्थात तो उसकी जो मांसपेशियां हैं, मसल हैं, उसका टोन क्या है, कितना टाइट है, कितना नहीं है, उसमें फ्लेक्शन है कि नहीं है, तो इस पे हम बात करते हैं। तो अगर बच्चा जो है कम्प्लीटली फ्लेसिड है, मतलब बिल्कुल मरा सा दिख रहा है तो उसको हम 0 स्कोर देते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा टाइटनेस है उसकी बॉडी में तो हम उसको 1 देते हैं स्कोर। और अगर वो कम्प्लीटली हाथ पैर हिला डुला रहा है, एक्टिव है, तो उसको हम 2 का स्कोर देते हैं। अभी हम उसके एक्टिविटी और उसका रिएक्शन चेक करते हैं बच्चे का। अगर बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, तो हम उसको 0 का वो देते हैं अबकार स्कोर। और अगर वो थोड़ा मोड़ा मतलब एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसको 1 का देते हैं। अगर बिल्कुल रो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम उसको 2 का स्कोर देते हैं। अब उसकी रिस्पायरेशन को हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसमें अगर हमें रिस्पायरेशन मिल रही है, सांसें ले रहा है बच्चा, तो क्या है, कितना स्कोर देंगे। नहीं ले रहा है तो फिर कितना स्कोर देंगे। अगर बच्चा सांसें ले रहा है, नॉर्मल सांसें ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, अगर वो बिल्कुल सांसें नहीं ले रहा है तो हम उसको 0 का स्कोर देंगे, या फिर थोड़ी थोड़ी रुक रुक के सांसें ले रहा है तो हम उसको 1 देंगे स्कोर। अगर बिल्कुल सांसें ले रहा है और चिल्ला भी रहा है तो हम उसको स्कोर 2 देंगे।
यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस में ये क्या करते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो मसल पेशी जो मास मसल उसकी होती है बच्चे की, उसको टेस्ट करने के लिए मतलब या तो कैथेटर डालकर चेक कर लेते हैं, या फिर बच्चे के पैर पे कोई की वगैरह से हल्का फुल्का टच करके उसके रिएक्शन को देखते हैं कि बच्चा अपना पैर को हिला डुला रहा है कि नहीं। ऐसा ग्रीमेस के केस में देखा जाता है, मोस्टली डॉक्टर यही यूज़ करते हैं। अभी जिन बच्चों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको बोलते हैं न्यूनेटल एस्पेक्सिया, हम अबगार स्कोर करते हैं फिर भी उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसको हर 5-5 मिनट पे उसका अबगार स्कोर करते रहते हैं, जब तक उसकी सांस लेना मतलब कम्प्लीटली कहीं ना कहीं से नॉर्मल ना हो जाए उसका रिस्पायरेशन, तब तक हम उसको अबगार स्कोर करते रहते हैं हर 5-5 मिनट पे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फर्स्ट टाइम हम उसका अबगार स्कोर टेस्ट करते हैं तो बच्चा पैदा होने के जस्ट 1 मिनट बाद ही करते हैं, उसके बाद जब वो उसकी सांसें नॉर्मल हो जाती है फिर हम उसका एक बार स्कोर नहीं करते। और इसके टेस्ट को हम जानने के लिए कैसे पता करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आया, अभी किसी बच्चे को हमने अबगार स्कोर किया मान लो, तो अगर उस बच्चे में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो मान के चलो कि उसका अबगार स्कोर 0 से 2 के आसपास होगा। अगर थोड़ा बहुत तो उसके दिक्कत आ रही है सांस लेने में तो 2, 3 से 4 के आसपास हो सकता है अबगार स्कोर, और कुछ कुछ केसों में देखा गया कि इससे भी ज़्यादा अगर है अबगार स्कोर मान लो 5-7 है, तो फिर मान के चलो कि उसको थोड़ी बहुत तो दिक्कत है सांस लेने में। अगर 7 से ऊपर आ रहा है उसका अबगार स्कोर तो हम ये सोचेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा कम्प्लीटली हेल्दी है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ अबगार स्कोर, और इस बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।